करते हैं, किस मुद्दा पर अवर दीजिएगा? विधानसभा का चुनाव होने वाला है, प्रचार प्रसार पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, बाजार में देख रहे हैं कि देखिए इस बार जो है ना, सब आदमी समझ गया है कि किसको देना है ना। इस बार जो मैया सम्मान योजना आया, किसान लोग के लिए जो बिजली बिल माफ़ हुआ, केसीसी के लेकर के इतना अच्छा तरह का फैसला लिया गया, इन सब को देखते हुए जितना ग्रामीण है वो तो खुश है ही, आम जनता भी पूरी तरह से संतुष्ट है। इस बार मतलब इस बार हम लोग हेमंत सोरेन जी को ही, मतलब सुरेश बैठा जी को, हाँ सुरेश बैठा जी को ही। अच्छा, डॉक्टर जीतू सरन के काहे नहीं? देखिए उनको भी अगला बार मौका दिए थे हम लोग। अच्छा, लेकिन विकास के नाम पर हमको नहीं लगता है कि कुछ किए वो। अच्छा, अगला बार, इसलिए इस बार हम लोग 2014 में आया, पूरा रोड नाली पूरा चकाचक बना दिए थे। देखिए रोड नाली बन रहा है वो तो खैर अच्छी बात है, उसी के कार्यकाल में। देखिए हाँ अच्छी बात है, लेकिन किसान लोग के लिए जो हितकारी जो होता है ना, जो एक मजदूर किसान चाहता है, उस तरह का कुछ वो नहीं लेकर के आए। अच्छा, जिससे किसान लोग को कुछ फायदा हो, इसलिए किसान लोग कुछ आहत है, जिसके वजह से इस बार हमको लगता है कि हम लोग सब सुरेश बैठा जी के साथ हैं। अच्छा, सुरेश बैठा जी के साथ? हाँ सुरेश बैठा। अच्छा, सुरेश बैठा जी कैसा व्यक्ति है? देखिए वो खुद एक ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे परिवार के आदमी हैं। वो हम लोग जब मिलने आते हैं तो एक आम जनता से वो इस तरह से बात करते हैं जैसे लगता है कि कोई हमारा पड़ोसी है। अच्छा, मतलब सुख दुख में कहीं भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जीतू चरण नहीं पहुंचते हैं? डॉक्टर जीतू चरण को तो आज तक हम लोग सामने से देखे नहीं है भैया। अरे सुनने माया कि मुरुप्री उसका घर है। हाँ हाँ हाँ, यही घर है। तो कैसे नहीं देखे? यही तो बात है, यही तो दुर्भाग्य है। हम लोग उसके बारे में अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही हम लोग को बोल। वो तो देखिए नया पार्टी है वो, जान रहे हैं, पर जो अभी फिलहाल में जो आगे जो केंद्र में है उसी के थ्रू से मतलब ये वोट कमल फूल छाप में दीजिएगा। अच्छा, आप क्या कहिए, किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल को नमस्कार करता हूँ। मैं तो ऐसे भी हम लोग को जीतू चरण राम है जो कि पहले भी रह चुके थे और जीतने के बाद भी हम लोग को कुछ नहीं किया है। और हम लोग को जो है कि कनाड़ी, हम मेरा गांव पड़ता है कनाड़ी में, डैम बनाने की बात करता है, तो मान चलिए कि अभी हम किसी कारण से जितवा देते हैं तो मान चलिए अगर डैम बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को 8-10 गांव उठा देगा।